देखिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। ये जो वीडियो आज का है ये ऑन डिमांड बना है, कोई सब्सक्राइबर हैं हमारे उन्हें लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए पहले तो ये बता दें आपको, जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो शॉर्ट क्वेश्चंस की जगह ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस भूल जाते हैं तो आप भूल गए, लॉन्ग क्वेश्चंस के चांसेस आपके ज़्यादा हैं, आपको 100-200 वर्ड्स में से कुछ 10 वर्ड्स तो याद ही रहेंगे, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट जल्दी नहीं कर पाएंगे, अगर भूल गए तो आप भूल ही गए। तो सबसे पहले तो बात ये सीखिए लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। देखिए अब बात करते हैं टेक्निकलिटी की। देखिए कोई भी अगर दो लाइंस हैं, दो लाइंस में आप 6 वर्ड्स याद रखिए ऐसे की इम्पोर्टेंट, मतलब एक लाइन में 3 वर्ड्स आप ऐसे इम्पोर्टेंट और कीवर्ड याद रखिए कि आपको वो पूरी लाइन याद रह जाए। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा बेटर समझ आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर एक लॉन्ग क्वेश्चंस है वो 40 लाइंस का है, ओके, और एक लाइन में अप्रोक्सीमेटली 12 वर्ड्स मान के चलिए आ जाते हैं, तो टोटल आपके ये 480 वर्ड्स बन जाते हैं। एज पर अवर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एक लाइन में आपने 3 वर्ड्स याद करने हैं, तो आपने 3 × 40 दैट मीन्स आपने टोटल 120 वर्ड्स ही याद किए। 480 शब्द में से आपने सिर्फ 120 वर्ड्स ऐसे याद किए जिससे आपको पूरा का पूरा वो लॉन्ग क्वेश्चंस याद हो जाएगा। दिस इज अ मेथड कि लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने शॉर्ट कर दिया और वो 120 वर्ड्स हैं उसको याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए, उसको समझिए, उसकी रेपिटेशंस कीजिए, उसकी रिहर्सल्स कीजिए। बार बार मैं कहता हूँ रट्टा मत लगाइए, भूल जाएंगे। जो लोग कहते हैं मैं एग्जाम में ये भूल गया वो भूल गया, दैट मीन्स वो याद किया है तो भूल जाओगे ना यार, रट्टा मत लगाओ। तो उसको उन 120 वर्ड्स को समझो अच्छी तरह और फिर वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, ओके। तो दिस इज अ फॉर्मूला कि आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को कितनी जल्दी और अच्छे तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट आपको ये बता रहे हैं हम कि लॉन्ग क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में लिखना कैसे है। देखिए क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लिखेंगे 2-3 लाइंस में तो वो एग्जामिनर जो चेक करेगा वो पूरा का पूरा चेक करेगा, गलती निकाल देगा। लॉन्ग आंसर्स का आपको क्या फ़ायदा है कि लॉन्ग आंसर्स में आपको पैराग्राफ्स जब बनाते हैं तो वो पूरा कभी नहीं चेक कर पाता, पूरा भी लॉन्ग आंसर आपका। तो आपने क्या करना है, हर पैराग्राफ की 2 पहली लाइंस, 2 एंड वाली लाइन, 2 पहली लाइंस, 2 एंड वाली लाइन, इसको इम्पोर्टेंट लिखिए, इसको स्पेसिफिक लिखिए, इसको आंसर से रिलेटेड लिखिए और बीच में एक एक लाइन, ये आपकी बहुत अच्छी आंसर के साथ रिलेटेड होनी चाहिए। उसके अलावा बीच में आप रैंडमली अपने आइडियाज़ भी दे सकते हैं अगर आपको वो नहीं आता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी एग्जामिनर पूरा पेपर नहीं पढ़ पाता है लॉन्ग आंसर्स का, तो यही टेक्निक बरतता है। रिपीट कर देते हैं, फर्स्ट लाइंस पैराग्राफ की 2 लाइंस, लास्ट 2 लाइंस, फर्स्ट 2 लाइंस पैराग्राफ की लास्ट 2 लाइंस और बीच में एक एक मेन इंपॉर्टेंट लाइंस। तो ये है आपका एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने का तरीका। अब होता क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपका स्पीड कम हो जाती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, हर 5 मिनट के बाद पेन को रखिए 2 सेकंड्स के लिए, उंगलियों को दबाइए, मुट्ठी बंद खोल कीजिए 4 बार, ठीक है, 4 बार ही बंद खोल बंद खोल बंद खोल बंद खोल अच्छी तरह से जोर के साथ, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन ईजी हो जाएगी। और डीप ब्रीथिंग लीजिए 2 टाइम्स डीप ब्रीथिंग और आपने 4 बार ये करना है, एंड आपकी इससे स्पीड बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड आ जाएगा और आप आंसर्स को बहुत अच्छी तरह लिख पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड काइंडली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए। आपने अच्छा करियर बनाना है, अच्छे एग्जाम देने हैं, सो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।